हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बेंडिंग इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं, लेकिन इस वीडियो में उससे थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन है, जो है हमारा टार्जिनल इक्वेशन डेरिवेशन। दोस्तों, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने आपको इसे एनिवेशन थ्रू समझाने का प्रयास किया है, जो आपको केवल दो स्टेप में आसानी से समझ में आने वाला है। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे लेक्चर की ओर। तो दोस्तों, हम पहले यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कि हमने जो इसके टर्म्स माने हैं वो क्या क्या हैं। आपको इसको अभी बाद में भी बताएंगे कि टर्म्स क्या क्या हैं, लेकिन एक बार इससे रिवाइज हो जाएगा। तुम्हारा जो टी है, ये दोस्तों है मैक्सिमम ट्विस्टिंग टार्क। दोस्तों, ये टार्क है, या फिर इसको बोल सकते हैं कपल, मोमेंट ऑफ कपल, या दो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक मोमेंट नहीं है, ये टार्क है या फिर मोमेंट ऑफ कपल है, मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं दोस्तों। अब डी है हमारा डायमीटर ऑफ शाफ्ट, जो हमारा शाफ्ट है उसका डायमीटर आप फोटो में फिगर में देख पा रहे होंगे। आई भी हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। दोस्तों, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है, और इनर्सिया से किस प्रकार डिफरेंट है। टाउ क्या है, हमारा शियर स्ट्रेस है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये हमारा रेडियन में है। लेंथ हमारा एल, लेंथ ऑफ द शाफ्ट है। और सी हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, जो किसी मटेरियल का कांस्टेंट होता है। दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे इतने हमने टर्म्स माने हैं। आइए चलते हैं हम आगे। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम शाफ्ट को देखते हैं। हमने यहाँ पर एक शाफ्ट लिया। दोस्तों, आप इसको आसानी से देखते रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ पर हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। दोस्तों, यहाँ पर ये वाला पोर्सन इसको हमने फ्रंट में यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि आपको पूरा फ्रंट से भी दिखे आसानी से क्या क्या चेंजेज होते हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू, और ये हमारा यहाँ से इधर का साइड व्यू, जिसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसकी हमने लेंथ मानी, शाफ्ट की क्या है हमारी एल है, जैसे हमने पीछे बताया। अब इसका जो डायमीटर है, दोस्तों देखिए, ये डायमीटर है, ये हमारा डी है। इसी को देखिए, दोनों डायमीटर वही दिखे यहाँ पे, ये भी हमारा डी है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने एक लेयर मानी, क्योंकि इसमें कई सारे लेयर हैं, लेकिन हम एक लेयर को विजुअलाइज करके चलते हैं। हमारा लेयर है N और M। अब हम इसी परपेंडिकुलर इस सेक्शन में भी एक लेयर ले लेते हैं, ताकि हमको चेंजेज आसानी से समझ में आ जाए। हमने ये लिया, इसका सेंटर हमारा O है। दोस्तों, ये हमारा सेंटर में जो O है, सेंटर है। अब देखिए, जब हमने इसको ट्विस्ट किया टार्क लगा करके, तो कुछ इस तरह आया। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए हम एनिमेशन को आप समझाएं, ताकि अब देखिए कौन सा किस प्रकार ट्विस्ट हो रहा है। दोस्तों, फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, आप फिर से देखिए, ये इस प्रकार ट्विस्ट हुआ। हमने यहाँ पे टार्क लगाया इस डायरेक्शन में, तो इस प्रकार टर्न हो करके ये लेयर, दोस्तों क्योंकि ये वाला लेयर हमारा, इधर का एंड हमारा फिक्स है, इसलिए ये तो रोटेट नहीं कर पाया। और यहाँ पर इधर से हमने टार्क लगाया इस साइड से, तो इतना हमारा ये लेयर डिफ्लेक्ट हो गया, इतना हमारा स्ट्रेन आया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये एनिमेशन। अब हम इसमें कुछ टर्म्स हैं उसको देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ये एंगल बना, इसको हम मानते हैं हमारा फाई है। दोस्तों, ये इसको बोलते हैं हम स्ट्रेन, सीयर स्ट्रेन, तो ये हमारा क्या हो गया, फाई। और अब हम देखते हैं ये वाला एंगल, इस एंगल में जो हमारा मुड़ा इस तरफ, ये हमारा है थीटा, इसे हमने बोला था एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि फाई क्या है और थीटा क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें ज़रूर। अब चलते हैं आगे इसको सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, हमने यही चीज़ पूरा फिगर यहाँ पे देखा, आपके लिए लाया। अब देखिए, यहाँ पर हम सीयर स्ट्रेन निकाले। दोस्तों, सीयर स्ट्रेन आपको पता होता है, ये जो हमारा डिफ्लेक्शन है, एम एम डैश बाई एल होगा इस केस में, तो हमारा फाई इक्वल टू एम एम डैश बाई एल। लेकिन हमको पता है फाई होता है टाउ बाई सी। कहोगे दोस्तों, ये कैसे? दोस्तों, हमको हुक्स लॉ पता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन जब सीयर स्ट्रेन की बात आती है, तो हमारा यंग मॉडुलस कांस्टेंट ना करके आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो दोस्तों, ये हमारा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो हमारा सीयर स्ट्रेन बन जाता है टाउ बाई सी। अब दोनों फाई ये भी है, फाई ये भी है, अब हम दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एम एम डैश बाई एल इक्वल टू टाउ बाई सी। लेकिन दोस्तों, अब हम यहाँ पे एम एम डैश देखें, तो एक सर्कल का आर्क है, तो इसकी आर्क की कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, अगर उसको निकालना चाहें तो ये बनेगा आर इंटू थीटा। क्या होगा, रेडियस इंटू एंगल,
जो हमारा ये थीटा बना रहा है। तो ये हो गया हमारा एम एम डैश। अगर हम इसको लिखना चाहें इस इक्वेशन में ऊपर वाले में पुटअप करें तो हो जाएगा आर थीटा बाई एल। दोस्तों इसी को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो आर थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाई सी। हम इसी को थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं तो ये बन जाता है टाउ बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पहुँच रहे हैं अपने गोल की ओर, यहाँ से हमारा स्टेप वन कम्प्लीट होता है। अब इसको ध्यान में रखें, अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों अभी हमने क्या किया, इस लेयर को देखा, अब हम इस वाले क्रॉस सेक्शन को देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेज होते हैं, इससे आगे हम क्या निकाल पाते हैं। आइए चलते हैं। इसको दोस्तों हमने यहाँ पर नोट रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर एक उसका क्रॉस सेक्शन जो हमने आपको दिखाया था लास्ट प्रीवियस में, उसी को हमने यहाँ पर लिया। अब हमने यहाँ पर एक एलिमेंट, एक रिंग माना जिसकी थिकनेस डी एक्स है, उसकी रेडियस एक्स होगी। उसमें हम मान के चलते हैं कि जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है रेडियस पर, वो है हमारा टाउ एक्स। तो दोस्तों आपको दिखाना चाहेंगे वो रिंग, ये हमारी है रिंग, इसका यहाँ से डिस्टेंस ये मान सकते हैं रेडियस हमारा है एक्स, इसकी थिकनेस दी है हमारी डी एक्स। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कितना फोर्स लग रहा है। तो दोस्तों फोर्स इक्वल टू होता है हमारा स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस आ रहा है और कितने एरिया पे आ रहा है दोस्तों, ये हमारा होता है फोर्स। तो दोस्तों अब पे स्ट्रेस हमने माना कितना है टाउ एक्स हो गया। अब हमको इस रिंग का चाहिए एरिया, अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस निकाल लेते हो जाएगी टू पाई एक्स, इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा एरिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इतना पोर्शन हमारा एरिया हो गया इस रिंग का, और ये टाउ एक्स हमारा हो गया स्ट्रेस। अब हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट लेंगे, इस फोर्स का मोमेंट लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो डी टी हो जाएगा टाउ एक्स टू पाई एक्स इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। दोस्तों ये हमारा डिस्टेंस, ये एक एलिमेंट का है। अगर हम टोटल का निकालना चाहें तो इसको हमको इंटीग्रेट करने पड़ेगा दोनों साइड को। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आती है, इंटीग्रेट डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी है जीरो से आर। दोस्तों यहाँ पे हमारी जीरो होगी और यहाँ आते थे हमारी रेडियस आर हो जाएगी, इसलिए हमने इसकी लिमिट रखी है जीरो से आर। टाउ एक्स इसी को हमने इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाउ एक्स टू पाई एक्स डी एक्स इंटू एक्स। तो दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा अरेंज करें, टू पाई हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लाएँ तो हो जाएगा टू पाई जीरो टू आर टाउ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोस्तों यहाँ पे एक एक्स और ये एक एक्स, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, हमने ये क्वेश्चन देखा, अब आप इस वाले टर्म को देखिए सी थीटा बाई एल, ये क्या हमारे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये कांस्टेंट होगी। और जो हमारा एंगल ट्विस्ट हो रहा है इसमें, मान लीजिए दोस्तों ये एंगल ट्विस्ट इतना हुआ, अगर हम यहाँ पर जाएँ तो ये भी इतना होगा, थीटा ही रहेगा, तो हमारी क्या रहेगी कांस्टेंट। और जो लेंथ है शाफ्ट की ये भी क्या है कांस्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। जब शियर स्ट्रेस टाउ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यही हमारा जब टाउ एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स के, क्योंकि टाउ एक्स किस पे है एक्स रेडियस पर। अब देखिए अगर इन दोनों से ये बन सकता है टाउ बाई आर इक्वल टू टाउ एक्स बाई एक्स। अब हम यहाँ से टाउ एक्स की वैल्यू पता कर लेंगे, टाउ एक्स इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू एक्स बाई आर, जो हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो ये हो गया टू पाई टाउ इंटू एक्स बाई आर एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट जीरो टू आर। अब देखिए दोस्तों जो जो कांस्टेंट है इसको हम फिर बाहर कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा टू पाई टाउ बाई आर, ये जो सब कांस्टेंट है, अब बचा जीरो से आर एक्स क्यूब डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने पर दोस्तों मिलेगा पावर बढ़ जाएगी और डिवाइड बाई पावर हो जाएगी, तो एक्स पावर फोर बाई फोर लिमिट जीरो टू आर। अब हम एस के स्थान पर आर रख देंगे तो एक क्वेश्चन हमको मिल जाएगी टू पाई टाउ बाई आर इंटू आर की पावर फोर बाई फोर। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी हो जाएगी पाई टाउ बाई आर की पावर फोर बाई टू। दोस्तों यहाँ से पाई हमने यहाँ के यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आर की जगह पर अगर हम डी रखें डायमीटर, कुछ इस प्रकार होगा जैसे
tau by r मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 32 डी की पावर 4। दोस्तों पता करते हैं r इक्वल टू होता है हमारा डी बाई 2। अब यहाँ पे पावर 4 है, इधर भी पावर 4 हो जाएगा 4/16। और यहाँ पे 2 पहले से ही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू tau बाई r इंटू पाई बाई 32 इंटू डी पावर 4। दोस्तों अब हम इसको नोट कर लेते हैं, आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों मैं फिर कहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अगले टॉपिक कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अब हम इसको कर सकते हैं tau इक्वल टू पाई बाई आर इंटू आई पी, क्योंकि आई पी, अब हम बात करते हैं आई पी क्या है थोड़ा डिटेल से। ये होता है दोस्तों पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में बात करें तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जानते होंगे, जो होता है हमारा आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। दोस्तों अगर हम आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई को ऐड कर दें तो हमारा आई जेड जेड निकालता है, जिसको हम बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम सर्कल की बात करें तो उसका आई एक्स एक्स होता है पाई डी के पावर 4/64, और आई वाई वाई की बात करें तो भी होगा पाई डी के पावर 4/64। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा पाई बाई थर्टी टू इंटू टी की पावर 4। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए इतनी की वैल्यू हमारी होगी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी। तो दोस्तों अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया टी अपान आई पी इक्वल टू टाउ बाई आर। अब दोस्तों इसको देखिए और इस वाले क्वेश्चन को देखिए, दोनों क्या है टाउ बाई आर के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं टाउ टी दोस्तों सॉरी टी अपान आई पी इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल। दोस्तों यहाँ पर इतना बना। अब आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा, इसी को हम बोलते हैं टॉर्जन इक्वेशन। यही हमारा होता है दोस्तों घूर्णन समीकरण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इस प्रकार हमारा टॉर्जन इक्वेशन डिराइव होता है। दोस्तों अभी थोड़ा सा और है, एक डिफिनेशन और है जिसको हमको डिराइव करना या फिर जिसको हमको जानना बहुत आवश्यक है, तो आइए देखते हैं वो क्या है। अब देखिए इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं कि टाउ अपान आई पी इक्वल टू टाउ बाई आर, इतना हम यहाँ से लिख सकते हैं जब हमने प्रूव किया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाई बाई आई पी अपान आर। इतना दोस्तों देखिए अब इस वाले टर्म को, ये टर्म क्या है, इस टर्म क्या है, इसके लिए आई पी और आर क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब कि आई पी बाई आर भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इसको अब हम बोलेंगे पोलर मॉडुलस ऑफ द शॉर्ट सेक्शन। इस कांस्टेंट को बोलते हैं आई पी बाई आर को पोलर मॉडुलस ऑफ द शॉर्ट सेक्शन। अब हमारा यही इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाता है टी इक्वल टू टाउ इंटू जेड पी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा टार्क होता है वो सीयर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो जो हमारा टार्क होता है वो सीयर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही हम बताना चाहते थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके जो टर्म है, एक बार फिर आपको इसको रिवाइज करवा देते हैं। जो टी है ये मैक्सिमम ट्विस्टिंग टार्क है, इसको हम डी हमारा है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, आई पी हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने आपको बताया आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, जो हमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमको प्राप्त होता है। टाउ हमारा सीयर स्ट्रेस है, थीटा क्या है एंगल ऑफ ट्विस्ट है, लेकिन दोस्तों याद रखिए किसमें है रेडियन में, आपको थीटा से रेडियन में चेंज करना जरूर आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अगर हम लेंथ एल की बात करते हैं, हमारी लेंथ ऑफ शाफ्ट थी और सी हमारा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मत जाइए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं जो आपके पढ़ाई के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हेल्पफुल भी रहते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। अगर आप बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक में या फिर अभी इस समय एंड स्क्रीन पर लास्ट स्क्रीन पर आपको टेम्पलेट आ जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन आप देख सकते हैं, जो बड़ा ही आसान सा है। अब हमको अलविदा चाहिए, थैंक यू।